दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने मना करते कि ये रिपोर्ट झूठी है। बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ISMI की एक रिपोर्ट आई थी, ISMI की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। अगर यूपी के इलेक्शन में कैंपेन देखोगे तो यूपी के मुख्यमंत्री ने उसी पे अपने देखे किया। ये कोई छुपी बात थोड़ी, आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर एक है। लेकिन दुष्यंत चौटाला क्यों नकार रहे हैं? उससे पूछो, तो उससे पूछ रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ वो तथ्य है। सर, अग्निपथ योजना को भी लेकर उन्होंने कहा है कि अब जो है प्रदेश सरकार इनको रोजगार की गारंटी जो मुहैया करवा रही है। जो मैंने तो कहा है भाई, अगर ये है प्रदेश सरकार की नीति तो जितने अग्निपथ अग्निवीर हमारे सिलेक्ट हो उनको पहले अपॉइंटमेंट लेटर दे दे, 4 साल के लिए फौज में करके आप यहाँ ज्वाइन कर ले, क्या दिक्कत है? भ्रष्टाचार को लेकर लगातार मतलब गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अगर नीयत साफ है तो अपॉइंटमेंट लेटर दो और वो आएंगे तो आते, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, लोगों के जो जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं। फार्मेसी चंडीगढ़ फार्मेसी का घोटाला स्कैम आया है, जिसमें क्या है किसी जो है मंत्री का जो है रिलेटिव फरार भी है। फार्मेसी घोटाला हुआ है स्कैम जो, उसमें कई करोड़ों रुपए का हुआ है कि जो हरियाणा सरकार ही है, ये एक के बाद एक घोटाला सरकार का और घोटाला के साथ काम क्या। अच्छा सर, एक कांग्रेस के MLA हैं, उनको जो है धमकी मिली है, क्या कहना? विधायकों को धमकी मिल रही है, बहुत विधायकों को मिली है, जो मतलब बीजेपी के भी विधायक है सरकार से, उनको भी मिली है। संजय को हमारे सोनीपत से विधायक है, उनको भी मिली है। इसी प्रकार से रेणु बाला विधायिका है, उनको भी मिली है। और भी विधायक को अपना जैसे कुलदीप को, तो उस नंबर से धमकी नहीं मिली, लेकिन उसके घर पे गए हैं और ये धमकी दे गए हैं। तो आज ये कानून व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा गई है प्रदेश में। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, सब अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित? तो रोहतक का दौरा किया था आपने, बाढ़ को लेकर के सर?